नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संग जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत आरती सिंह आंटी जी आई हैं, जो कि संगत शेयर करेंगी। मैं इसी के साथ करणवीर आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी संगत जी। अंकल आवाज आ रही है? यू ऑडिबल आंटी। हाँ जी। संगत जी, हर सत्संग में एक मैसेज होता है और गुरु जी उसी संगत को उस सत्संग से जोड़ देते हैं जहाँ हमें कोई ना कोई मैसेज मिलना होता है। सो इस चीज को मानते हुए हमें, जैसे आरती सिंह आंटी हैं, गुरु जी से खुद मिले हुए हैं और इनसे आज इनकी जर्नी में देखते हैं कि ये लोग ये हमारे लिए क्या अनमोल खजाना लेकर आए हैं गुरु जी के वक्त का। सो ओवर टू यू आरती सिंह आंटी, आपका सत्संग सुनने के लिए हम सब वेट कर रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। थैंक यू अंकल सुरेश वासन अंकल, आपका आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस अपॉर्चुनिटी कम्स लाइक अ वेरी बिग ब्लेसिंग। ये हम वेट करते हैं कि हमें मौका मिले। और जब मैं गुरु जी से कहती हूँ बहुत दिन हो गए, तो महाराज उसी टाइम कहीं ना कहीं से सत्संग शेयरिंग करा देते हैं, और इस हफ्ते में उन्होंने सेकेंड टाइम अब करा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना सत्संग तीन पार्ट्स में बताऊंगी। एक तो तब जब मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, एक जब मैं गुरुजी से मिली, एंड थर्ड पार्ट जब मैं गुरुजी को मानने लगी और समझने लगी। सो फर्स्ट पार्ट, जब मैं अनमैरिड थी एंड तब मैं आई कम फ्रॉम अ मिक्स्ड फैमिली। बोथ इन्फ्लुएंसेस हैं, हिंदू एंड सिख। सो लकीली मैं मंदिर में भी जाती थी एंड हर मंडे जल चढ़ाती थी, दूध चढ़ाती थी शिवलिंग को, और गुरुजी से ही निकलता है मुंह से कि शिव जी से अरदास करती थी कि मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड मिले। एंड ये चीज उनकी कृपा से बहुत अच्छे से फुलफिल हुई है, बहुत अच्छे से ब्लेसिंग मिली है मुझे। हम दरबार साहब भी जाते थे, शब्द भी सुनते थे। सो दोनों दोनों तरफ मेरा बराबर इन्फ्लुएंस था। ये एक प्रेपरेशन थी जो मेरी आगे की लाइफ में मेरे को गुरुजी से जोड़ने में मुझे इजी हो गई। फिर मैं 2004 में गुरुजी से मिली। ये भी मालिक की कृपा हुई कि हमारा घर छोटे मंदिर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। नहीं तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो रात को घर से कहीं भी जाना मुश्किल होता है, बिकॉज बच्चों का अगले दिन स्कूल होता है। बट मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम सब जाते थे। एंड कभी कोई दो चले जाते थे, कभी कोई दो चले जाते थे, सारे इकट्ठे कभी चले जाते थे, ऐसे था। अब सबकी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम थी। मेन थी मेरी मदर इन लॉ को डॉक्टर्स ने एक ओपन हार्ट सर्जरी बोली हुई थी, एंड उनका बिल्कुल दिल नहीं था, बिकॉज वो हॉस्पिटल्स एंड सर्जरीज से बहुत दूर जाती थी। फिर ऐसे हुआ कि उन्होंने गुरुजी ने पूछा की गल, तो मम्मी कहते कि ए कहते मैनू सर्जरी कराने वास्ते, तो गुरुजी ने कहा कोई लोड नहीं। तो मम्मी बहुत खुश हो गए, बिकॉज वही सुनना चाहते थे और वही उनको गुरुजी ने बोल दिया। अब हम ऑब्वियसली गुरुजी की बात नहीं टाल सकते थे, एंड मम्मी की सर्जरी नहीं हुई। और उसके बाद मम्मी 8 साल फर्स्ट क्लास उनके निकले, ये नहीं कि उनके हॉस्पिटलों के कोई चक्कर लगे, कुछ नहीं। एंड लास्ट मिनट तक वो फर्स्ट क्लास मेरे साथ थे, शादी पे थे, और शादी से हम घर आ रहे थे और शादी अटेंड करके अच्छे से अच्छा खा पी के सजे हुए थे, ज्वेलरी पहनी हुई थी, मतलब एक ब्राइड की तरह हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। एंड दैट इज हाउ मम्मी वेंट, दैट इज हाउ गुरुजी टुक हर, आई विल से दिस वाज मम्मी। मेरे हस्बैंड, ये इनकी
एक प्रॉपर्टी है चंडीगढ़ में, एंड ये हमने गलती से बहुत पावरफुल पॉलिटिकल लोगों को दे दी थी, और अपना घर रेंट पे दिया था, और वो बिल्कुल वापस देने के मूड में नहीं थे, वो तो बिल्कुल कब्जा करके बैठ गए थे। सो इस बात से मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान थे। वो हर हफ्ते जाते थे और दिल्ली वापस आते थे खाली हाथ के, कुछ नहीं हो रहा। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा, जा तेनू 2 महीने बाद अपना घर मिल जाएगा। तो उस टाइम हम गुरुजी को समझते भी नहीं थे, ना जानते थे, महापुरुष थे इतना पता था। तो सबके माइंड में आया होगा कि जो चीज इतनी इम्पॉसिबल लग रही है ये कैसे होगा, बट एक्चुअली 2 महीने बाद उनसे कोई पेपर वर्क में गलती हो गई और कोर्ट से उनको ऑर्डर मिला कि आपको घर ये खाली करना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि चंडीगढ़ के लॉज ऐसे हैं, दे आर इन फेवर ऑफ द टेनेंट, एंड ये इम्पॉसिबल था बिकॉज वो पॉलिटिकली कनेक्टेड बहुत पावरफुल लोग थे। एंड शुक्र है मालिक का कि नो गुंडागर्दी, नथिंग, आराम से घर मिला। गुरुजी मेरे हस्बैंड को प्यार भी बहुत करते थे, और जब मेरे हस्बैंड को देखते थे तो कहते थे, आजा सरदारा, प्यार से बुलाते थे। मैं जब भी महाराज के आगे मत्था टेकती थी तो गुरुजी मुझे कहते थे, तू ऐश कर। कभी कभी कहते थे, तू ते बस ऐश ही कर। मुझे नहीं पता था कि ये ब्लेसिंग कितनी बड़ी है, बिकॉज मैं सोचती थी महाराज सबको ब्लेस ऐसे ही करते होंगे, बट वो चीज आज की डेट में मैंने उनकी ब्लेसिंग आज ऐसे अनफोल्ड होती है, हो रही है, हो चुकी है, कि सिर्फ उनकी ब्लेसिंग से ही मेरी जिंदगी इतनी ब्यूटीफुल है। बहुत शुक्राना है उस मालिक का, और मैं उनका हर बात के लिए हर पल शुक्राना करती हूँ। मेरे दोनों बेटे तभी स्कूल में थे, एंड बच्चे तो होते ही हैं, जो भी मांगते होंगे, क्या पता वो अपनी पढ़ाई मांगते होंगे, तो महाराज ने नेचुरली उनको बहुत अच्छे से ब्लेस किया हुआ है कि आज तक उनकी भी जिंदगी बहुत प्यारी चल रही है। एंड ओके, आई गो बैक। जब मेरे पास जब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, तो मेरी जब शादी हुई तो विद इन 1 मंथ मेरी बहुत एक बड़ी सर्जरी हुई थी, एंड उन्होंने मेरे जो सिस्ट, मेरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें पूरा इन्फेक्शन फैला हुआ था। वो सिस्ट हो गए थे ओवरीज पे, वो ट्विस्ट और टर्न होते थे, और उससे मुझे मतलब उन्होंने कहा था इमरजेंसी में इमीडिएटली सर्जरी करानी पड़ेगी। सो एक ओवरी, एक ट्यूब रिमूव हुई थी, दूसरी ओवरी को उन्होंने स्क्रेप किया था, और जो एक ट्यूब बची थी उसका भी हाल बहुत बहुत बुरा था। मैंने 3 साल सारे डॉक्टरों को दिखाया दिल्ली में, और उन्होंने कहा बच्चा नहीं हो सकता। तो भी मैंने, पता नहीं मेरे अंदर कौन सी आवाज थी, वो महाराज की ही होगी, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं ये सच होगा। मैं सोची थी नहीं, ये सब बेकार की बात करते, मेरे तो बेबीज होंगे। एंड 4.5 ईयर्स के बाद मेरा बेटा हुआ, एंड वो मतलब नो चांस, ऐसे ही एक डॉक्टर पास गए बॉम्बे में, और उन्होंने बोला कि मैं ट्राई करूंगी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे ऐसे स्टेजेस में मैं ट्रीटमेंट करूंगी, फर्स्ट स्टेप में ही आई कंसीव्ड, एंड द सेकेंड बॉय केम विदाउट एनी इंटरवेंशन, नो मेडिकल इंटरवेंशन। सो मैं ये सोचती हूँ अगर गुरुजी तब बोलते हो या मिलते थे, मिले होते, तो कहते कहते कि जा तेनू होर एक मुंडा देता। सो ये महाराज हैं जो हम नहीं भी जानते, बट यस, मेरे को हमेशा लगता था कि मेरे ऊपर किसी का हाथ है जो मेरे सारे काम लास्ट तक, मतलब बहुत एकदम लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, बट लास्ट में जरूर हो जाता है। बहुत मुश्किल से निकल जाते हैं, और निकलते निकलते लास्ट में बात फिर भी बनी जाती है। सो शुक्राना गुरु महाराज जी का। सो जब हम महाराज के पास जाते थे तो वही था कि हम शुरू में जब कभी कभी अगर जल्दी चले जाते थे तो महाराज अपने कैबिनेट पे बैठे होते थे पैंट शर्ट में कैजुअली, इसीलिए शायद हमें पता नहीं लगा कि गुरुजी क्या चीज है, बिकॉज वो हमें ऐसे मिलते थे जैसे कि हमारे फ्रेंड हैं, जो हमारे बहुत मतलब हमसे स्माइल करते थे।
और कैजुअली मिलते थे, कोई उनमें ये नहीं था, वो हमें हाथ जोड़ते थे, इमेजिन। तो एनीवे हम लंगर खाते थे उनके पास बैठ के, बहुत पुरानी संगत देखते थे जो बिल्कुल हमें नहीं मिल, हम जो हम उनसे आंख ही मिलाते थे बस, एंड नहीं जानते थे ये कौन है। आज जब हम उनके सत्संग यूट्यूब पे सुनते हैं तो समझते हैं कि ये तो वही है, ये भी वही अंकल है, ये भी वही है। सो इस तरीके एक दिन गुरुजी ने ओल्गा आंटी को सत्संग शेयर करने बोला था, और डांस आई थिंक उनको कहा था, जो भी था। जब उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया तो हमारा तो रैशनल माइंड होता है, और हमने ये सोचा, मैंने ये सोचा कि ये जो कह रही है कि मैं डांस कर रही थी और मेरे हस्बैंड के वहां पर हेलीकॉप्टर गुरुजी ने छुड़ा दिए, सो मैं सोचती थी ये कैसी स्टोरी सुना रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। आज जब मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं कहती हूँ ये जरूर हुआ है, मैं कभी नहीं डाउट, मतलब वो डाउट का दिमाग तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि कोई जो लोग होते हैं जिनको आगे का दिखता है या कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं या उनको कोई आवाजें आती हैं, गुरुजी, मैं सोचती थी गुरुजी का यही यही करते हैं, बट नो, गुरुजी गिव्स यू लाइफ, गुरुजी कैन टेक टेक योर लाइफ व्हेन यू वांट, व्हेन यू बेग हिम के अभी इनकी सफरिंग खत्म करके इनको फ्री करो, वो भी गुरुजी ही कर सकते हैं, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। सो महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मेरा जो छोटा बेटा था वो पढ़ाई में बहुत एवरेज था, और आज ही बल्कि मुझे एक लड़की मिली जो कहती थी मेरा भाई, मेरा बेटा पढ़ाई में एवरेज है। तो मैंने कहा तुम फिक्र मत करो, वो गुरुजी के पास ही जाने लगी है। तो मैंने कहा आप देख लेना कि कैसे मैजिक होता है, बिकॉज मैंने ये मैजिक खुद देखा है। तो जब मेरा बेटा ठीक ठीक था पढ़ाई में, तो वो जब क्लास 10 में पहुंचा तो मुझे थोड़ी सी फिक्र ज्यादा हो गई। अब महाराज ने ही समझ डाली होगी दिमाग में, नहीं तो अपने आप तो हमारे थॉट्स कहाँ जाते हैं। मुझे मुझे मेरे पास एक उनकी कीचेन थी जिनके ऊपर उनका स्वरूप था, और हम उस कीचेन को मैं उस किचन को पानी में डिप करके अपना हाथ ऊपर रख के एक शब्द पाठ करती थी, और सुखमनी साहब का पाठ करती थी, बंगला साहब का भी उसमें जल मिला के, तो मैं बेटे को पिलाती थी। अब ये गुरुजी ने, हम ये करें या ना करें, गुरुजी की कृपा तो हो, जब होनी है तो हो ही जानी। तो मेरे बेटे ने इतने अच्छा रिजल्ट आया क्लास 10 में, फिर क्लास 12 में। उसके बाद उसको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिली, उसने अपने अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड में स्कॉलरशिप्स मिली है उसको थ्रू आउट कॉलेज, और मैथ्स में उसने पीएचडी करी। पीएचडी कर रहा था, 1 साल भी हो गया था, उसने अपनी थीसिस भी लिख ली थी, और कोविड शुरू हो गया था। सो उसके बाद हमें उसको इंडिया वापस बुलाना पड़ा, उसको भी बुलाया, बड़े बड़ा बेटा भी आ गया। अब दोनों, वो इस हिसाब से आया था, थोड़े से कपड़े एक सूटकेस लेके आया था कि मैंने 1 महीने में वापस चले जाना है। अब लॉकडाउन आगे आगे बढ़ता ही गया, तो ये ऑफिस जाने शुरू हो गया, और मालिक की कृपा से ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज भी हम जब भी इस चीज को सोचते हैं तो हम सोचते हैं ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि बच्चे दोनों कहते थे हम नहीं आएंगे इंडिया, हमने बाहर ही रहना है। मेरा छोटा बेटा कहता था मैं पीएचडी करके प्रोफेसर बनूंगा और मैं यहाँ पर ही सेटल होना है। हम इनफैक्ट इवन घर ढूंढ रहे थे उसके लिए, महाराज ने लेने ही नहीं दिया। वो डिले होता गया, तब तक लॉकडाउन शुरू हो गया। बड़ा वाला बेटा ने 1 साल काम किया था पेरिस में, और वो कहता था मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे नहीं आना। तो हम दोनों यही सोचते थे कि क्या होगा, ये जो काम इतना पुराना फैमिली बिजनेस है, ये या तो बेचना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। हम नहीं, मेरे हस्बैंड थोड़ा इस बारे सोचते थे। तो मालिक की कृपा ये हुई है कि दोनों बच्चों ने आके, दोनों ने बिजनेस संभाल लिया, और मेरे हस्बैंड डे बाय डे फ्री होने लगे। सो ये हमने इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा था कि हमें इतने अच्छे दिन देखने पड़ेंगे, देखेंगे हम। तो महाराज ने क्या नहीं किया,
अब जिन दिनों में मैं गुरुजी के पास जाती थी तो मेरा फेथ बनता था और फिर मेरा रैशनल माइंड मुझे फिर से डाउट में डालता था। बट जब बनता था, मैं वो बातें बताऊंगी। तो बनता क्यों था कि एक दिन मैं बड़े मंदिर से वापस आ रही थी और मैं सोचती थी माइंड में कि सब बोलते गुरुजी की खुशबू आती है। मैंने कहा मैंने तो कभी खुशबू ही नहीं, मेरे को तो कभी नहीं आई। मतलब जो जो चीजें हमने सोची वो चीजें महाराज ने करी। तो मैं जब घर पहुंची तो पूरे घर में इतनी इतनी ज्यादा खुशबू थी जैसे कि किसी की बहुत सारी बोतलें टूट गई होती हैं परफ्यूम की। एंड मेरे हस्बैंड को थोड़ी उस टाइम एलर्जी थी ये अगरबत्ती से। तो उन्होंने सोचा कि मैंने अगरबत्ती जलाई, कहते क्या हो गया आज अगरबत्ती रात में जला दी है। मैंने कहा नहीं, ये खुशबू है घर में, सारे घर में थी। तो ये एक चीज इनफ थी अगर अगर मेरा दिमाग इतना रैशनल ना चलता होता। अब चलो फिर ये हुआ, उसके साथ में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के एक मैनेजर थे, उनके बेटे को पैरों से शुरू हो गया था कि उसके सारे नर्व्स डेड हो रहे थे। वो चढ़ता गया एक एक, मतलब ऊपर 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 ऊपर, एंड वो नेक तक पहुंच गया। सारी उसकी बॉडी बिल्कुल हिल नहीं पाता था, बेड पे ही पड़ा होता था। हॉस्पिटल में था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और बोला कि अब ये जैसे ऊपर चला जाएगा हेड में तो वी आर वेरी सॉरी कि हम कुछ नहीं करते, हम कुछ कर ही नहीं सकते इसके बारे। अब वो बच्चे की डॉक्टर ने हॉस्पिटल में वो मैनेजर को बोला कि आप मेरे ये गुरुजी हैं, आप उनका स्वरूप उस बच्चे की तकिए के नीचे रख दो। तो ये जो मैनेजर लड़का था उसने ये सोचा कि मैं तो किसी भगवान को नहीं मानता, मैं पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं करता, मैं वो सिर्फ काम और कर्मों पे विश्वास करता था। पर वो कहता है मेरा क्या जाता है, मैं कर लेता हूँ। इस ये सोच करके उसने तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा अपने बेटे के। वो कहता है मैंने ये किया और मेरा बेटा ठीक होने लगा। नाउ देर इज नो लॉजिक के डॉक्टर्स ने जवाब दिया और बच्चा ठीक होने लगा एक स्वरूप रख के। तो उसका लड़के उस का विश्वास बढ़ गया नेचुरली, किसी का भी बढ़ जाता। ये चीज से मुझे मुझे ये सब दिख रहा था कि ये सब गुरुजी महाराज क्या क्या ब्लेसिंग कर रहे हैं। अच्छा मैं ये भी सोचती थी महाराज सिर्फ हेल्थ की ब्लेसिंग करते हैं, ये नहीं पता था गुरुजी सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद वो गुरुजी के पास आया, यहाँ पर छोटे मंदिर मत्था टेका, एंड वो गुरुजी का ही फॉलोअर बन गया आज। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं बड़े मंदिर जा रही थी और रास्ते में वो जो टी पॉइंट से अंदर जाते हैं, तो मैं पैदल जा रही थी और मेरे साथ साथ एक कपल चल रहा था। तो मैंने उनको पूछा, मैं उनको कहीं पहले भी मिली हुई थी, तो मैंने बोला आप यहाँ कैसे आते हो, क्योंकि हम हमेशा सुनना चाहते थे कि क्या हो रहा है, मतलब लोग कैसे आ रहे हैं इधर। तो वो कहते थे कि हमारी ये जो बेटी हमारे साथ चल रही है 12 साल की थी, ये तो ये गुरुजी की कृपा से यहाँ पर ऐसे है चल रही है। तो मैंने कहा बताओ फिर। वो कहते हैं कि इसके सारे ऑर्गन्स डेड हो गए थे, वाइटल ऑर्गन्स एक एक करके, तो ये भी बेड रिडन हो गई थी बिल्कुल ही, एंड 6 महीने ये स्कूल नहीं जा पाई। एंड सेम वे डॉक्टर्स ने सब कुछ कर लिया और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। किसी ने उनको कहा कि गुरुजी के पास चलो। जब ये गुरुजी के पास गए, अब ये सरदार कपल थे ठीक है, तो सरदारों को तो गुरुजी गुरुजी ने उनको सिर्फ इतना कहा कि आप जपजी साहब का पाठ करो, और ये घर गए और इन्होंने जपजी साहब का पाठ किया। किसी किसी सिख फैमिली को आप जपजी साहब का पाठ करने के लिए कहो तो वो उनके लिए बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। उन्होंने एक पाठ किया और वो लड़की जो बेड रिडन थी वो फर्स्ट टाइम उठ के बाथरूम अपने आप गई और कहते हैं उसके बाद ठीक हो गई और आज ये चलती फिरती है। अब वो जो लड़का जो पहले मैंने बताया जिसके नर्व्स डेड हो गए थे, महाराज ने उस बच्चे को इतना ब्लेस किया हुआ है आज तक, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग उसी टाइम की नहीं होती, वो सारी जिंदगी चलती है। वो लड़का वेल सेटल्ड है, वो टॉपर बन गया स्कूल में, और वो वेल सेटल्ड है और कनाडा में सेटल्ड है और
वहां पर जो जिस फैमिली के साथ वो रहता है, जिस जिस फैमिली के वो टेनेंट्स है, वो इंडियन फैमिली है, और वो इस बच्चे का खाने का बहुत ध्यान रखते हैं, पूरा इंडियन खाना खिलाते हैं उसको। और ये उनका ध्यान रखता है क्योंकि वो ओल्ड कपल है। महाराज कैसे आपकी लाइफ में हर चीज हर तरह से आपके लिए बहुत इजी कर देते हैं। ये सब कुछ मुझे दिख रहा था, फिर भी मैं गुरुजी को जानती जा रही थी पर उनको मान नहीं रही थी पूरे दिल से। एक और रीजन था कि मैं साईं बाबा की डिवोटी थी और मैं सोचती थी कि मैं कहाँ कहाँ अरदास करूं। मैं यहां से मांगूंगी नहीं, बट गुरुजी को मानती थी थोड़ा थोड़ा। अब मेरी जो फ्रेंड्स थी, कितनी फ्रेंड्स हैं जो जिनको मैं ले गई, जो मुझे आज कहती हैं कि फर्स्ट टाइम तो हम आपके साथ गए थे बड़े मंदिर। मैं गुरुजी को उनके लिए अरदास करती थी, लोगों के लिए, अपने लिए नहीं मांगती थी। मैं सोचती थी ये लॉयल्टी में फर्क पड़ जाएगा कि मैं साईं बाबा की डिबोटी हूँ और गुरुजी से मांगती हूँ। एनीवे, आज वो सोच में बहुत चेंज आ गई है। महाराज का शुक्राना है। अब ऐसे ही एक दिन एक और बात ऐसे हुई कि एक लड़की थी, उसकी एडमिशन हो गई थी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, एंड वो उसको 100% स्कॉलरशिप मिली थी और 100% सारा कुछ, उसका रहना सब कुछ वो यूनिवर्सिटी ने पे करना था। लेकिन वो बहुत ज्यादा पतली थी, एनोरेक्सिक थी, अंडरवेट थी, आई थिंक कुछ 45 किलोज था उसका वेट। तो वहां के यूनिवर्सिटी से मैसेज आया, ये एडमिशन कंडीशनल है, अगर ये वेट पुट ऑन नहीं करेगी 5 केजीज मोर तो हम इसको नहीं ले सकते, बिकॉज हम नहीं तो इसके हॉस्पिटल के बिल्स पे करते रहेंगे। तो मैं उसकी मम्मी को ले गई बड़े मंदिर, उसकी माँ ने तो अरदास करी ही होगी, मैंने करी। और मैं जब घर आई तो मैंने सोचा महाराज ने मेरी अरदास सुनी है कि नहीं। घर आके जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली, वही अपनी अपने सवाल का मुझे जवाब चाहिए था। तो जब खोली तो फर्स्ट लाइन जो मैंने पढ़ी, वो लाइन में आया गर्ल पुट्स ऑन वेट। वो लड़की, उसने वेट पुट ऑन किया, वो अमेरिका गई, आज उसको एकेडमी अवार्ड्स मिलते हैं। महाराज की ब्लेसिंग, वही बात है, दूर तक चलती है, हमेशा तक चलती है। और किस्मत वाले वो हैं जिनको जिनको महाराज ब्लेस करते हैं, कोई जानते हैं कोई नहीं भी जानते हैं। बट आज 12 साल के बाद उसकी मम्मी कहती मैं बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गई हूँ उस दिन के बाद, और उसने फोन करके कहा कि आप ही मुझे लेके गए थे फर्स्ट टाइम, अब मैं जा रही हूँ 12 साल के बाद क्योंकि मेरी बहन को कैंसर है। मैंने कहा वो ठीक हो जाएगी, आप सब फेथ रखो महाराज पे, वो तो हमें पता ही है कि महाराज जो अच्छा होगा करेंगे ही। ये था जब मेरा फेथ था भी पर कंप्लीट नहीं था। अब वो फेथ कैसे पक्का हुआ, मतलब वो गुरुजी को मैंने कैसे समझना शुरू किया, ऐसे था कि 4 साल पहले मैं एक शादी पे गई थी सैन डिएगो में, तो वहां एक संगत गुरुजी की आई थी न्यूयॉर्क से, वो भी गेस्ट थी, एंड वो संगत ने मुझे बहुत सारा प्यार देना शुरू किया, एंड वो मुझे यही कहती थी यू आर माई गुरु बहन, यू आर माई गुरु बहन। अब मैं सोचती हूँ ये मैं इस लड़की को जानती भी नहीं हूँ और ये मुझे गुरु बहन क्यों कहती है। तो मैंने उसको टोका नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, पर वो बहुत प्यारी थी, बहुत बहुत ज्यादा प्यारी लड़की, अच्छी थी। तो जब अच्छा उन दिनों में मेरे को एक ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, एक्चुअली शॉक हो गई थी, जो जो प्रॉब्लम थी कि ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ। तो आई थिंक कि अगर गुरुजी उस टाइम मुझे नहीं संभालने आते तो शायद मैं बीमार हो जाती टेंशन से, लेकिन गुरुजी आए इस लड़की के रूप में, एंड फर्स्ट टाइम गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से लंगर प्रसाद खिलाया। मैंने ये सोचा कि क्योंकि ये लड़की सारा दिन गुरुजी की बात कहती है, शायद इसलिए गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं, बिकॉज ये मेरे सबकॉन्शियस में बात चल रही होगी। बट
आई वॉज रॉन्ग बिकॉज गुरु जी वॉज गोइंग टू बी कमिंग इन माई लाइफ फॉर एवर, परमानेंटली एंड हमेशा के लिए. सो एनीवे, फिर उसके बाद वो शादी के बाद आई केम बैक टू इंडिया. जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी, एक वो स्पिरिचुअल टाइप प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम यहाँ थी वो वापस आ गई. बिकॉज 1.5 महीने तो मेरे दिमाग में वो बात थोड़ी थोड़ी फेड होने लगी, बिकॉज मैं यहीं से दूर हो गई थी. वापस आई तो अगेन वो चीजें वापस आई, तो दोबारा गुरुजी मेरे ड्रीम में आए. जब वो मेरे ड्रीम में आए, इस बारी मैं बड़े मंदिर बैठी थी, एंड फिर गुरुजी ने अपना हाथ मेरे पीठ पे रख के मुझे चाय प्रसाद शायद पिलाई थी, कुछ खिलाया था. तो एट द सेम टाइम यही लड़की जो मुझे वहां मिली थी, वो मुझे जूम के लिंक्स भेजने शुरू कर दिए उसने, एंड मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी. अब फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा कि सत्संग सुनना कितना जरूरी है. इसीलिए मैं एक एक प्लेटफॉर्म का शुक्राना करती हूँ, बिकॉज जो इतनी मेहनत से ये सत्संग लोगों से करवाते हैं, उससे हम गुरुजी को और समझने लगे हैं, और हमारा फेथ, हमारे हमें मैसेजेस मिलते हैं, हमारा फेथ बढ़ने लगा. तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिससे लोग जुड़ते हैं, क्योंकि जब कोई नई संगत होती है जो मुझे कभी भी बोलती है कि गुरुजी के बारे कुछ बताओ, तो मुझे नहीं आता बताना. मैं उनको 3-4 लिंक्स भेज देती हूँ यूट्यूब से, और मैं बोलती हूँ ये सत्संग सुनो, बिकॉज वो सुन के हम गुरुजी को समझते हैं बहुत अच्छे से. सो मैं सत्संग सुनने शुरू कर दिए. मेरे को गुरुजी को तो बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गया, मंत्र जाप शुरू कर दिया, एंड उसके बाद देर वॉज नो लुकिंग बैक. मेरी लाइफ में गुरुजी के हर हर सेकेंड, जैसे कहते हैं ना, मैजिक मैजिक तो नहीं, मगर हर चीज में मुझे गुरुजी की कृपा नजर आनी शुरू हो गई, हर चीज में. ऐसे ही मैं एक दिन एक जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग सुन रही थी, और एक लड़की ने मुझे साइड मैसेजेस में पूछा कि आपके पास शिव पुराण है? तो मैंने कहा नहीं है. उसने कहा अपना एड्रेस भेजो, तो मैंने एड्रेस भेज दिया. मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मुझे भेजेगी, बिकॉज वो बैठी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में. लेकिन 3 दिन बाद जब शिवपुराण घर आई, तो मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई. मैंने कहा तो मुझे तो हिंदी पढ़ने नहीं आती, अब मैं कैसे करूंगी? तो देखो क्या गुरुजी क्या करते हैं. नेक्स्ट डे जब मैं सत्संग सुन रही थी एक और प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर रोहित कपूर अंकल समझा रहे थे कि जिनको हिंदी पढ़ने में मुश्किल है, उनके लिए गुरुजी ने कितना इजी कर दिया है. और मैंने वो चीज समझ ली कि ये तो मेरे लिए है. वो कह रहे थे कि आप वो ही चैप्टर यूट्यूब पे खोल के अपनी शिवपुराण को खोलो और अपनी आईज से फॉलो करते रहो और सुनते रहो. और ये मैंने किया उसी दिन से, एंड 4 साल हो गए. वो 4 साल में अभी फोर्थ रीडिंग शुरू हो गई है. ये भी महाराज की ही कृपा थी. अब थोड़े दिन के बाद मैं रात को सो रही थी, बिल्कुल जैसे नॉर्मल कोई सोते हैं, कुछ भी नहीं था. और मुझे इतना ज्यादा आधी रात में पसीना पसीना जैसे भीग गया. तो मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये क्या हुआ है. गुरुजी उस टाइम मेरी ड्रीम में आ गए, और उन्होंने कहा मैं तेरा ऑपरेशन कर देता. अब तो मेरे को समझ भी आ गई थी कि ड्रीम इज नॉट जस्ट गुरुजी'स ड्रीम, इट इज गुरुजी हिमसेल्फ. सो शुक्राना महाराज, कुछ ना कुछ तो उन्होंने टाल दिया, बिकॉज मैं जब सुबह उठी तो मैं बेड से नहीं हिल पा रही थी, मुझे बहुत जोर जोर से चक्कर आ रहे थे. तो दोपहर तक मैंने सबको बहाने किए कि मेरी तबीयत, मेरा थोड़ा पेट खराब है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर में खा लूंगी. फिर मैं लेट गई और मैंने ईयरफोन्स लगा के सुखमनी साहब का पाठ सुना, और वही पाठ दोबारा लग गया अपने आप. 2 बारी सुनने के बाद, 2.5 घंटे के बाद मैं फ्रेश होके उठी, जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था. सो महाराज ने किस चीज से निकाला और कैसे ठीक कर दिया वो ही जाने. ऐसे ही मेरे मेरा बेटे को मेरे हस्बैंड ने थोड़े पैसे दिए, एंड उसने जल्दी से रख दिए, बिकॉज वो बहुत सारे
अपने सर्टिफिकेट्स और पेपर्स को संभाल रहा था। जब वो पेपर संभाल रहा था तो शाम को उसको याद आया कि हो, मेरे को जो पैसे दिए थे वो कहाँ गए। अब उस टाइम ये ऑफिस नहीं जा रहा था तो ये कमा नहीं रहा था। तो जब इंसान खुद नहीं कमाता, वो सोचता है ये मेरा हक भी नहीं है गुमाने का। लेकिन वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, उसके साथ मैंने ढूंढा, सारी मतलब सबने ढूंढा, और उसने वो कमरा को छोड़ा ही नहीं था। सो ये सवाल ही नहीं था कि किसी ने ले लिए हैं। तो हमने जैसे कमरे का एक एक इंच नहीं छोड़ा, बेड को गद्दे उठा के सब जगह। तो बार बार मैं पूछती थी बेटा कहाँ रखे होंगे, याद करो। कहता है मुझे 100% याद है, ये ब्रीफ केस में डाले थे। ब्रीफ केस को हमने उल्टा किया सारा, मतलब रात को 2-2 बजे उठता था और फिर से वही ब्रीफ केस खाली करता था, नहीं मिला। तो एक हफ्ता निकल गया। एक दिन मैंने गुरुजी के आगे उनको देख के कहा, गुरुजी परसों घर में सत्संग है, लेकिन मेरा ध्यान बार बार इसी चीज में जाता है कि वो पैसे कहाँ चले गए, कैसे गए, कहाँ गए। तो मैंने कहा अगर आप हेल्प कर दो ना कि ये मिल जाए तो मैं बहुत फ्री माइंड से आपका सत्संग करूंगी, नहीं तो बार बार तो मेरा ध्यान इसी पे जा रहा है। ऐसे अरदास करी और 10 मिनट के बाद एकदम शोर मचा कि पैसे मिल गए। मैंने कहा ये क्या हुआ, मिल गए कहाँ से मिले, फर्स्ट क्वेश्चन। वो कहते हैं उसी ब्रीफ केस में, मेरा बेटा कहता है वही थे। मैंने कहा ये ब्रीफ केस को तो आपने 20 बार देखा होगा, मैंने 20 बार उल्टा करके खाली किया होगा। सो ये महाराज ने अरदास सुनी है और कैसे भी कुछ भी किया, वी डोंट नो, पर महाराज सब कुछ कर सकते हैं एज वी ऑल नो। देन मेरे हस्बैंड को अब इस बात से ना मेरे को बहुत गुरुजी के साथ बहुत ज्यादा ही विश्वास हो गया। अब क्या था कि कोविड कोविड शुरू हो गया था दिल्ली में, मेरे हस्बैंड के एक बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई थी। एंड कोविड का तो वैसे भी उन दिनों में बहुत ही डर था। कोविड कोविड मींस अछूत इंसान हो गया, ये घर ही अछूत। तो कोई नौकर नहीं टिकते थे, भाग जाते थे, कोई आना नहीं, किसी ने जाना नहीं। अब मेरे हस्बैंड को जब कोविड हुआ तो उनको बुखार नहीं था ज्यादा, उनको उनकी जो ऑक्सीजन की रीडिंग थी वो भी बड़ी ठीक ही चल रही थी। लेकिन शाम को जब हमने वो टेस्ट लंग्स का कराया तो रात को उसकी रिपोर्ट आई। जब उसकी रिपोर्ट आई तो हमें तो पढ़नी नहीं आती थी और रात के टाइम हम डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते थे। तो मेरी असिस्टेंट लोग ने बोला कि आप मुझे रिपोर्ट भेज दो। वो आई थी ऑन व्हाट्सएप, तो मैंने उधर भेज दी अपनी सिस्टर लॉ को। वो कहते मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली में सबको कोविड हो गया था, तो आप मुझे भेज दो, मैं उनको भेजती हूँ, उनको रीड करने आती है रिपोर्ट। ठीक है जी। तो उन्होंने जब रिपोर्ट देखी तो वो कहते हैं कि आप इनको 1 मिनट भी घर में मत रखो, इनको सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ, इनके अंदर की वो लंग्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये क्या कर रहे हो आप, मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे हो। अब हॉस्पिटल में तो एडमिशन ही नहीं है कहीं भी, सारे हॉस्पिटल सारे बेड्स हर जगह फुल, ना हम किसी को जानते थे ना कुछ। अब महाराज ने तो रास्ते पहले ही बनाए होते हैं, प्रॉब्लम बाद में आती है, रास्ते पहले खुलते हैं। 3 महीने पहले मेरे बेटे का, जो एक मेरे छोटे बेटे का फ्रेंड था, मेरे बेटे ने उसकी कोई हेल्प करी थी किसी बात में, तो उसने बेटे को बोला कि कभी आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। तो हमने क्या सोचा कि दोस्त ऐसे ही शो ऑफ करते हैं कि हमारे को बताना, हमें बताना, तो थोड़ी बात वो लाइटली ली। तो लेकिन उस रात मेरे को वो बात याद आई, तो मैंने कहा बेटा उसको फोन करो। तो वो कहता है मामा मैं कर चुका हूँ, एम्बुलेंस आपके घर आधे घंटे में आ रही है, रूम आपके लिए डैड पापा के लिए तैयार हो रहा है। तो मैं तो काफी मतलब सरप्राइज थी, बिकॉज किसी ने उसी हॉस्पिटल के लिए हमारे लिए ट्राई किया था, क्योंकि वो मैनेजमेंट में ओनर्स को जानते थे और उन्होंने बोला नहीं सॉरी वी कांट हेल्प यू। तो हमें रूम मिल गया, रूम भी मिला प्राइवेट, ये भी नहीं कि शेयरिंग। और जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने जिन्होंने ये हेल्प करी थी उन्होंने सबको बता दिया कि आरती सिंह आएंगी। तो गेट मैन, लिफ्ट मैन, क्या रिसेप्शनिस्ट, सब कहते आरती सिंह आपका रूम ये है। तो रूम नंबर का टोटल भी 7 था। मेरे को पक्का विश्वास था ये पूरा रास्ता खोला है, ये रास्ते पे जो चला रहे महाराज, और
आई थिंक के मेरा विश्वास ही बनना था, इसीलिए ये सारा हुआ। चलो, मेरे हस्बैंड जब वहां गए तो सुबह जब डॉक्टर ने हमें मिले तो डॉक्टर ने ये कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप रात को आ गए, क्योंकि हमें 8 घंटे मिल गए इनको इनको ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा देने में। ठीक है, अब 3 दिन के बाद वही डॉक्टर फिर घबराया हुआ कि उनके तो जो इन्फेक्शन या पता नहीं पैचेस वो बढ़ गए हैं लंग्स में। तो मैं डर गई नेचुरली, तो मैंने कहा कि क्या करें। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फिर फोन किया। जब मैंने सिस्टर इन लॉ को फोन किया, मैंने कहा ऐसे कह रहे हैं डॉक्टर, तो दीदी कहते हैं कि उनके पास जल है। मैंने कहा हाँ, वो रोज पी रहे हैं। फिर कहते हैं कि पेंडेंट गुरुजी का है। मैंने कहा है। तो कहते हैं आप एक काम करो, उनको उनके भाई को, वो कहते हैं उनको कहो कि गुरुजी के पेंडेंट को किस करके अपने चेस्ट पे टच करें। आप मानोगे, जब मेरे हस्बैंड ने ये किया उसके बाद वो बस ठीक ही ठीक होने लगे, और 3 डेज के बाद उनको जल्दी छुट्टी दे दी, क्योंकि बेड्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। बाकी ट्रीटमेंट घर में हुआ। बाकी ट्रीटमेंट में अब नेचुरली सब सर्वेंट्स जो भी हेल्पर्स थे सब डरते थे, जो नर्स था, नर्स की तो हम ही सेवा कर रहे थे, तो मुझे खुद करना पड़ा, तो नेचुरली मुझे भी कोविड हो गया। तो मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के अरदास की कि मैंने कहा महाराज, मेरे को उतना ही बीमार करना कि मैं इनको देख सकूं, बिकॉज इनके पास अब कोई भी नहीं जा रहा खाना खिलाने या कुछ भी, इनका जो भी बुखार चेक करने या इनका कुछ भी। सो महाराज ने इतनी मेरी सुनी कि मुझे पता था मुझे कोविड हो गया। मैंने टेस्ट नहीं कराया, बिकॉज वो भी रिपोर्ट गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। मेरे सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल चली गई थी, और मुझे बुखार वो भी लाइट 100 तक रहता था, और मैं ऐसे ही ठीक हो गई बिना कोई मेडिकेशन, जस्ट पैरासिटामोल। इतना ध्यान रखते हैं। और इसके बाद और भी मतलब गुरुजी की बहुत मेरे हैं, मेरे हस्बैंड की आईज का की बहुत एक सॉलिड सर्जरी थी, मतलब हस्बैंड ठीक हो गए ये तभी, उसके बाद 1 साल के बाद उनकी ना आंखों की सर्जरी थी। वो काफी वो सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो हम चंडीगढ़ चले गए कि वहां कराएंगे सर्जरी। अब वहां जब गए तो मैं सोचती हूँ ये चंडीगढ़ में तो गुरुजी रहते थे, पर यहाँ पर मेरे को तो कोई गाड़ी नहीं नजर आती, कोई जय गुरुजी नजर ही नहीं आता। मैंने कहा गुरुजी कुछ दे दो, कुछ प्रेजेंस दे दो कि मेरे को थोड़ा हौसला रहे। सो अब क्या हुआ कि महाराज ने उस टाइम इनका जब सर्जरी शुरू हुई, तो मैंने अपनी सुखमनी साहब की गुटका खोली, और उसमें गुरुजी की स्वरूप था। कब डाला, कब था ये, कब का मुझे ही नहीं पता। 2012 का की डेट लिखी हुई थी उस पे। चलो ये शुक्र है। फिर उसके बाद मुझे शाम को अपनी सिस्टर इन लॉ का फोन आया, तो मैंने कहा कहती है कि वो कहती है कि आपके लिए बड़े मंदिर से प्रसाद आ रहा है। तो मैंने कहा कि कहते कि आपने बताया है किसी को कि उनकी सर्जरी है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी बातें कभी किसी से ही नहीं करती, बिकॉज सर्जरी और ऐसी बातें क्या बताना। तो कहते हैं कि उनका फोन आया है कि आपकी भाभी को ये प्रसाद पहुंचाना है। तो मैंने उनको बोल दिया कि वो तो दिल्ली में ही नहीं है। तो दीदी के दिमाग में एकदम खटका कि मैं अपने घर में मंगवा लेती हूँ प्रसाद को, और ये प्रसाद मैं ले आती हूँ, बिकॉज वो 2 दिन बाद खुद चंडीगढ़ आ रहे थे। बाय चांस, बाय चांस तो कुछ नहीं होता, बट वो आगे कसौली जा रहे थे। सो आप मानोगे कि मैंने मांगा ही था कि गुरुजी आप दिखा दो कि आप हो मेरे साथ, हो हमारे साथ हो। तो वो प्रसाद बड़े मंदिर से आया, और ऐसी चीजें आई जो खराब नहीं होती, फ्रूट्स थे, मिठाई थी वो भी वैसी, एंड हमें वो प्रसाद मिला, और हम दोनों ने इतने अच्छे से खाया। एक बारी ऐसे ही प्रसाद फिर आया था बड़े मंदिर से दिवाली का, और आप मानोगे वो लड्डू प्रसाद जो आया था, हम रोज बस एक बूंदी खाते थे उसमें से, और वो 1 साल चला बिना खराब हुए, बिना खराब हुए। हमने 1 साल उसको रोज खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। ये महाराज ने बहुत ब्लेसिंग देते हैं, दिखाते हैं कि मैं हूं। जो लोग नहीं भी मानते, गुरुजी उन पे भी कृपा करते हैं। ये मतलब जिन, क्योंकि
महाराज तो वो कहते हैं ना, मैं देने ही आया हूँ, मैं कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं करता कि मुझ पे फेथ करो. ऑफ कोर्स फेथ इज वेरी गुड बिकॉज इट कीप्स अस ऑन द राइट ट्रैक. आज मुझे फेथ है तो मैं अपने कर्मों पे बहुत नजर रखती हूँ कि मैं कुछ फालतू ना सोचू ना बोलू ना करूं, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी नजर हर पल मुझ पे है और मैं कुछ गलत नहीं कर सकती, बिकॉज मैं ये ग्रेस जो मुझ पे हुई है मैं कभी इसको खोना नहीं चाहती जिंदगी में. मतलब कोई भी आगे भी जिंदगी में मेरे साथ गुरुजी हमेशा रहे, बस यही चाहती हूँ. सो अब जो नहीं मानते उन पे गुरुजी कैसे कृपा करते हैं, तो मैं लास्ट ईयर जर्मनी से वापस आ रही थी और एयरपोर्ट पे एक फैमिली थी, एक हस्बैंड वाइफ और उनके दो छोटी बेटियां. ये बहुत सिंपल से लोग थे, बिल्कुल गुजराती जानते थे और हिंदी भी नहीं जानते थे और इंग्लिश जर्मन तो बड़ी दूर की बात है. तो बड़ी देर से वो परेशान लग रहे थे और जो काउंटर के पीछे जो लेडी थी वो भी सोच रही थी कि मैं कैसे इनसे बात करूं. तो उन्होंने बोला कि आप इंटरप्रेट कर दोगे, मैंने कहा हाँ. तो वो कहती है कि इन्होंने एयर सुविधा फॉर्म नहीं भरा हुआ, अगर ये नहीं भरते तो ये नहीं ट्रेवल कर सकते टू इंडिया. वो कहते हैं, वो फैमिली कहते हैं हम सुबह से परेशान हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये हमसे चाहते क्या. तो मैंने कहा एयर सुविधा जो फॉर्म है ये आपने भरना है और फ्लाइट को आधा घंटा बोर्डिंग को रह गया है, तो आप ये काम मैं कर देती पर मेरे पर ये फोन पे नहीं होता, इसके लिए कंप्यूटर चाहिए. तो मैंने कहा आपका कोई है रिलेटिव इंडिया में जो आप जिसके जो कंप्यूटर से आपका ये फॉर्म भर सकता है. तो मैंने उनको फॉर्म भेज दिया, मैंने कहा उनको बोलो ये भरेंगे. तो मैंने बात की इंडिया में, तो उन्होंने कह दिया ठीक है. अब मैं उनको गुरुजी का मैंने स्वरूप दे दिया और मैंने कहा ये अपने पास रखो, और मैं वॉशरूम चली गई. अब ये फैमिली जो थी ये किसी कंट्री से डीपोर्ट हो गए थे, आई थिंक इनका वीजा एक्सपायर हो गया था और इनको ये भी नहीं पता था कि इनका सामान उस कंट्री में है कि आ गया है जर्मनी तक भी. हर तरह से परेशान थे और सुबह से भूखे बैठे हुए थे. इनकी काफी हालत ना बहुत सैड थी. तो मैं जब वापस आई वॉशरूम से तो मैंने देखा इनके सबके चेहरे खिले हुए हैं. अब गुरुजी के स्वरूप इनको मिला है और क्या हुआ कि वो कहते हैं हमारा एयर सुविधा फॉर्म भर के आ गया है, हमने दे भी दिया और सब ठीक है. तो मैं तो बोला चलो मैं भी फ्री होके भाग गई वहां से, मैं भी बेफिक्र हो गई. अब मैं जब बेफिक्र तो हो गई लेकिन मुझे फ्लाइट में याद आया कि मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिया है, इतनी बड़ी चीज दी है पर कुछ नहीं समझाया कि इज्जत से रखना या इसको हमेशा अपने साथ रखना. तो मेरे को बहुत परेशान हो गई कि मैंने कहा अगर इन्होंने बाय चांस इस स्वरूप की कोई बेअदबी कर दी या मिस नॉट मतलब ठीक से नहीं रखा तो क्या मेरे मेरे को मेरी गलती है. जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंची तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे को वो बेल्ट पे मिले, लगेज बेल्ट पे, तो वहां भी खुश कहते देखो हमारा लगेज भी मिल गया हमें. तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी का स्वरूप है ना ये, आप इंटरनेट पे इनके बारे पढ़ लेना और प्लीज इनको बहुत संभाल के अपने पास रखना. कहते हम बहुत संभाल के रखेंगे बिकॉज उन्होंने देख ही लिया था कि क्या उनकी लाइफ में कैसे मैजिक हो गया. ये तो है उनके स्वरूप का कमाल, या जो नहीं जानते उन पे भी कृपा. खुशबू का भी बता दिया. इवन मैं बताती हूँ मंत्र जाप में जो ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है. एक बारी मेरे को बहुत ज्यादा दांत में दर्द थी और मैं उठ नहीं पा रही थी कि मैं अपनी पेन किलर ले लूं. तो मैंने मेरे को 2 घंटे जब मैं सह चुकी थी तो मुझे बाद में ध्यान आया आधी रात में कि मैं क्यों ना गुरुजी का स्वरूप अपने फोन पे ही खोल के अपने गाल पे लगा दूं, और मैंने वो किया और मेरी दर्द 1.5 दिन के लिए गायब हो गई. उसके बाद वैसे ही मेरे वो रूट कनाल होना था. उनके मंत्र जाप में उनके स्वरूप में इतनी ज्यादा ताकत है. अब ऐसे ही ना मेरी डॉटर इन लॉ जब 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तो मेरा बेटा मेरे पास आया रात को और वो कहता है कि मामा बेबी की ना मूवमेंट ही नहीं है सुबह से. तो नेचुरली बच्चे हैं वो घबरा गए दोनों. तो मैंने कहा बेटा डोंट वरी अभी सब ठीक हो जाएगा 5 मिनट में.
तो कहता है मामा 5 मिनट में कैसे क्या ठीक हो सकता है। तो आई सेड के आप चिंता मत करो ना, आप बस छोड़ दो, आप वरी मत करो। सो उसके बाद मैंने अपने माइंड में सिर्फ आई थिंक 2 बारी मंत्र जाप किया होगा, और क्योंकि मेरा बेटा मेरे को कुछ करने ही नहीं दे रहा था, माइंड में भी नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा टेंशन में था। तो एकदम गुरुजी की कृपा हुई और मेरी डॉटर इन लॉ का फोन आया कि बेबी की मूवमेंट वापस आ गई है। तो कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ महाराज का नाम, जो इतना आसान उन्होंने हमें जो भी चीज दी है बड़ी आसान करने के लिए दी है, यही कर लो यही कर लो, बस कुछ भी मत करो, दिल से मुझे प्यार कर लो, वही काफी है। अब मैं आपको एक और सत्संग बताऊंगी जिससे गुरु जी आपसे कैसे बात करते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि लोगों को कैसे ओम दिखते हैं, लोगों को गुरु जी दिख जाते हैं, मेरे को ना ये चीजें दिखती नहीं है जल्दी। तो मैं कहती हूँ कि ओ हो ये क्या हुआ। मैंने एक दिन मेरी जब मैं जर्मनी गई, मेरी ग्रैंड डॉटर अभी 1 महीने की थी, उसको जॉन्डिस हो गया। ये जॉन्डिस जो नॉर्मल जॉन्डिस होता है वो नहीं था, ये 1 महीने के बाद हुआ, जो माँ ने एंटीबायोटिक्स खानी पड़ी उससे वो बेबी के लिवर में चली गई एंटीबायोटिक, और उसको जॉन्डिस हो गया। अब वो बच्चा बिल्कुल पीला, एकदम पीला, उसको देख के मेरा दिल घबराता था, पर बच्चों को ज्यादा समझ नहीं थी कि ये केस थोड़ा सीरियस है, बिकॉज उसका बिलीरुबिन बहुत हाई था। एंड मेरे को किसी डॉक्टर ने बता दिया था उधर से, फोन पे मैंने जब किया, उन्होंने कहा कि ये बहुत डेंजरस होता है, जो बच्चे की ना माइलस्टोन्स लेट हो जाती है, तो मेरे तो और ही जान निकल गई। मैंने एक संगत को इंडिया में फोन किया और मैंने कहा आप मुझे कोई बताइए कि मैं कैसे इस चीज पे मैं कैसे गुरु जी से अरदास करूं कि महाराज की कृपा हो जाए। उसने मुझे बहुत सिंपल बोला, कहती है कि आप गुरु जी के पास बैठ जाओ, मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेजती हूँ और उनके साथ बैठ के संगत करना। तो उस टाइम काफी लेट हो गई थी रात को, तो मैंने सुबह चाय प्रसाद चाय बनाई एंड मीठे नमकीन बिस्किट और फ्रूट, बस मेरे पास यही था घर में। ये गुरुजी के आगे छोटा सा स्वरूप रखा हुआ था, गुरुजी के आगे रख दिया। मेरे पास ना अगरबत्ती थी, ना दिया था, कुछ नहीं था, नो फूल, कुछ नहीं, बट गुरुजी सिर्फ ये चाहते हैं कि फोकस करो मुझ पर और प्यार प्यार करो, विश्वास करो। वो प्लेलिस्ट में मेरा पूरा ध्यान ऐसे था जो बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना फोकस था। जब मैं देख रही थी गुरुजी को, हाँ मेरे फोन पे भी मैंने गुरुजी की उसका स्वरूप खोला हुआ था, जब मैंने देखा तो गुरुजी का जो पिंक फेस था वो येलो हो गया बिल्कुल ही। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ मैं तो ये इमेजिन कर रही हूँ क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। बट बाद में ये जब प्लेलिस्ट खत्म हुई तो वो येलो फेस फिर वापस पिंक हो गया। आधे आधा जब प्लेलिस्ट आई तो मैंने एक मैसेज पढ़ा फोन पे, नोटिफिकेशन, अनिल चोपड़ा, ए मार्शल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। तो मेरे मन में आया कि मैंने इनका नाम कभी पढ़ा हुआ है पर इनका सत्संग कभी सुना ही नहीं है, शायद ये संगत है। तो फिर मैंने अपना वापस ध्यान गुरुजी पे लाया, पर जब वो पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो गई तो मैंने एक बड़ा शॉर्ट सत्संग ढूंढा यूट्यूब पे, 12 मिनट का, ए मार्शल अनिल चोपड़ा का। और जब मैंने सुना वो सत्संग 12 मिनट में, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई कि जब मैं गुरुजी के पास पहली बार गया था, मैं सारे डॉक्टरों के पास सब कुछ करके हार चुका था और मेरा बिलीरुबिन 22 था, और मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी महाराज के आगे मत्था टेका और गुरुजी ने कहा जा मैं तेनू ठीक कर देता। माय गॉड, मैंने इमीडिएटली समझ गई ये मैसेज मेरे लिए ही था, इसीलिए महाराज ने वो नोटिफिकेशन दिखाई, इसीलिए वो सत्संग सुनाया। एंड उस दिन जब बच्चे जा रहे थे डॉक्टर के पास बेबी को लेके, तो उन डॉक्टर ने बोला कि आज मैं बेबी का ब्लड नहीं निकालूंगी, बिकॉज छोटे बेबी का ब्लड, वो वेन से ब्लड निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो दिन के बाद बेबी ठीक होती 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 ठीक हो गई। 15 दिन के बाद मैं वापस आ रही थी इंडिया और मैंने
फिर से गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी ये बच्चा बीमार था इतने दिन, इसने आंख भी नहीं खोली, मैं तो इसकी आंखें भी नहीं देखी कि आंखों का कलर ही क्या है। और आप मानोगे, एक रात पहले जब अगले दिन मैं जा रही थी तो बेबी ने आंखें खोल के पूरा इधर उधर देखना शुरू किया। सो महाराज क्या नहीं सुनते, बड़ी छोटी छोटी हमारी कोई भी बात होती है वो सुन ही लेते हैं, इतने ज्यादा दया करते हैं। सो ऐसे ही अभी 15-20 दिन पहले जब मैं जर्मनी से वापस आई, तो वहां पर बहुत अच्छा लगता है, छुट्टी फैमिली में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुरुजी की बहुत ज्यादा याद आती है कि हम दूर हो गए बड़े मंदिर से और हर चीज से, और अपने गुरुजी के आगे जो घर में उनका छोटा सा बनाया हुआ है दरबार, उसको हम मिस करती हूँ, मैं बहुत मिस करती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपकी याद आ रही है, तो वापस आ गई, वापस आ गई तो मैंने कहा प्लीज गुरुजी बुला लो एक बारी, तो बुला लो, मंडे था बड़े मंदिर बुला लो। तो ऐसे मैंने सुबह उठ के ऐसे ही बोला, मतलब सुबह उठ के जैसे हम गुरुजी को मिलते हैं, तो मैंने बोला प्लीज गुरुजी बुला लो। अब मुझे पता था कि कहीं से कोई रास्ता नहीं है जाने का, बिकॉज मेरा अपना ड्राइवर नहीं था एंड मेरी कोई सहेली, मेरी एक सहेली थी वो तो क्या कहते हैं वो ट्रैवल कर रही थी, तो कोई रास्ता ही नहीं था। 11 बजे मुझे एक मैसेज आ गया कि मेरी एक फ्रेंड कहती है कि मैंने ना आज टैक्सी बुक करी है, और मैं नहीं, उसने ये नहीं कहा आज, मैं टैक्सी 11 बजे की बुक करी है और मैं 12 बजे तक आ रही हूँ, तो मैं आ जाऊं 12 बजे तक। तो मैंने कहा किस दिन की बात कर रहे हो, कहती आज। माय गॉड, कहती मैं तुम्हें ले भी जाऊंगी तुम्हें छोड़ भी जाऊंगी। सो महाराज कैसे कैसे सुनते हैं, क्या क्या करते हैं, यही इनकी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है, हर चीज में, हर चीज में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज सुनते हैं। तो ऐसे ही हाँ, एक बार हम ऐसे ही मेरे हस्बैंड और मैं, हम स्विट्जरलैंड में थे और आमने सामने बैठे हुए थे और ट्रेन में, बिकॉज आई थिंक ये यहाँ से कोविड लेके गए थे, इनको था, मगर इनका टेस्ट नेगेटिव आया था चलने से पहले। तो जब ये सामने बैठे तो एकदम जोर जोर से ये शिवरिंग करने लगे। तो माय गॉड, अब तुम पराए देश में हो और तुम ऐसे शिवर कर रहे हो, तो वहां कोई डॉक्टर क्या, मतलब आदमी बहुत कुछ सोचता है। तो मैंने फटाफट वो डिवाइन प्रसाद लेके उनको खिलाया, वो मेरे पर्स में हमेशा रहता है, इनको डिवाइन प्रसाद दिया और अपने पर्स से निकाल के उनकी जेब में स्वरूप गुरुजी का डाल दिया। इमीजिएटली, पैरासिटामोल को भी तो 1.25 घंटा लगता है, इमीजिएटली इनकी शिवरिंग बंद हो गई और कहते मैं अब ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, शुक्र है। तो ऐसे गुरुजी दिखाते हैं कि आपको छोड़ते नहीं है कभी भी, कहीं भी, कहीं भी कुछ भी नहीं होने देते आपको। तो एक तो ये था, और उसके बाद मतलब ऐसी बहुत ही सारी इंसिडेंट्स हैं, ये तो मेरे माइंड में पता नहीं 1% आती होंगी और कुछ भी नहीं है। तो और कौन सी कोई बात बताऊं, हाँ जी, मेरे को हमेशा महाराज से एक अरदास होती थी कि गुरु जी आप जो भी लड़की देना बेटे के लिए, बस ये हो कि स्पिरिचुअल हो। मैं नहीं कहती कि इंडियन हो, मैं नहीं कहती कि कौन सी कास्ट की हो, मगर आपको मानने वाली मिले। एंड जब मेरे बेटे ने बोला कि ये मेरी मेरी जो डॉटर इन लॉ है जर्मन है, तो वो क्रिश्चियंस है, तो ये लड़की की एक खूबी है कि कुछ भी चीज के लिए कहती है आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल। तो कभी कोई ब्यूटीफुल सनसेट देखती है तो कहती है आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, तो शुक्राना ही करती रहती है। तो मुझे अच्छा, ये जब आई इंडिया फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा रहा, और जाते जाते ये बीमार हो गई, इसके मुंह में पूरे माउथ में छाले ही छाले हो गए। और मैंने कहा माय गॉड, अब तो ये विजिट करने आई है और ये वापस जाएगी तो माँ बाप बोलेंगे क्या इंडिया में हम भेजेंगे ही नहीं ऐसी, ऐसे कि माँ तो बच्चा हमारा इतना बीमार होके वापस आ गया।
प्लस ये मेरा जो मेरी बेटी है बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, तो इसको देख के मेरा दिल बहुत दुखता था। तो क्या हुआ कि मैंने इसको ना गुरु, आई थिंक ये एक गुरुजी ने तरीका बनाया, एक बहुत सुंदर पेंडेंट इसको दे दिया गुरुजी का, और ये लड़की ने आज तक वो पेंडेंट को अपने साथ रखा हुआ है। सो वो ठीक भी हो गई, बिकॉज उसका फादर यही काम करता है, ही इज वो जॉज को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। सो ऑब्वियसली सारा रिलेटेड उन्होंने फटाफट डायग्नोज किया और इसको ठीक कर दिया। बट महाराज इसके साथ गए उसी ट्रिप में, साथ में, और हमेशा रहेंगे और हमेशा है। सो ये सब है अंकल। 1 घंटा तो हो गया, तो आई थिंक सबकी अटेंशन स्पैन उतनी ही होती है, अंकल, तो वी नीड मोर 10 मिनट्स फ्रॉम यू। अच्छा 10 मिनट्स और कर लूं। जी डेफिनेटली अंकल, डेफिनेटली। तो और एक बात है कि हाँ, एक बारी मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपके तो कितनी ओल्ड ओल्ड संगत है, जो इनके सत्संग सुनते हैं तो वाह, मतलब ऐसे लगता है कि आपसे ही मिल लिया, क्योंकि आपको आपके बारे वो बड़े तरीके से अच्छे से, क्योंकि देखो हमसे तो गुरुजी ने बातें ही नहीं करी, तो हमें तो बस एक ही ब्लेसिंग मिल गई, वो भी बहुत बड़ी वाली ब्लेसिंग थी, तो नो कम्प्लेन्ट्स। बट जिन्होंने गुरुजी से बातचीत करी हो, उनसे उनसे सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा गुरुजी ओल्ड संगत से मिला दो, आप मानोगे, मैंने ऐसे अरदास ही करी होगी और इतने ओल्ड संगत मिलने लगी, और इतना प्यार कि दो आंटियां तो ये हैं कि वो कहती है कि बेटा हम आपकी मम्मी की तरह हैं, आपको जब भी कोई इंसिडेंटली इट्स माई मदर्स बर्थडे एंड शी इज नो मोर, तो वो कहते हैं कि हम आपकी मम्मी की तरह हैं, अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिल हल्का करना हो तो हमें फोन कर लिया करो। मतलब गुरुजी ने ऐसे बात सुन ली, ऐसे बात पूरी करी, तो बहुत शुक्राना गुरु महाराज आपका के कैसे कैसे। और कोई नई संगत भी है जो आज मेरे इतनी क्लोज फ्रेंड्स बन गई हैं, और उनमें वो भाव है जो मतलब कहीं देखने में नहीं मिलता, बस वही वो इतने स्पेशल है। फिर ऐसे ही मैं एक दिन बंगला साहिब गई, तो मैंने कहा मेरे को पता है गुरुजी आप ही हो, ये यहाँ भी आप हो, हर जगह आप हो। तो मैंने कहा कि कुछ मैं ना साइन ढूंढने लगी कि गुरुजी कहाँ दिखते हैं, यहाँ पर कैसे दिखेंगे। तो एक लड़की मेरे आगे आई और उसने अपनी माँ को बड़ी जोर से आवाज दी, तो मेरा ध्यान उस लड़की पे गया, तो जब मैं उस लड़की को देखा तो देखा ब्रेसलेट गुरुजी का पहना हुआ। सो महाराज ने कैसे दिखा दिया। तो एंड और क्या था, हाँ एक बहुत स्वीट सा सत्संग है कि कोविड के दिनों में मैंने ना पेंटिंग शुरू कर दी, बिकॉज सारा दिन घर बैठ के क्या किया जाए, तो बहुत अच्छा लगता था कि माइंड इतना फोकस्ड रहता था एक चीज पे कि लगता ही नहीं था कि कुछ करने के लिए नहीं है, बिकॉज बिजी हो गया माइंड। तो उन्हीं दिनों में मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे और मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई। जब मैं सिस्टर इन लॉ के घर गई तो वो कहती है कि देख हस्बैंड तो तुम्हारे है ही नहीं दिल्ली में, तो आप मेरे साथ ही लंगर खाओ। लंगर खा के मैं उठने लगी तो कहती है, तो मैंने उनको फोटो खोल के दिखाई अपने फोन से, मैंने कहा देखो मैंने ये पेंटिंग करी है, तो कहती है ओहो पेंट ब्रश, वेट वेट वेट। तो अंदर गई और उन्होंने 3 पेंट ब्रश दिए, तो मैंने कहा वेरी नाइस थैंक यू। तो वो कहती है ये पेंट ब्रश से मैं शिव मूर्ति जो बड़े मंदिर में है उनकी सफाई करती थी, तो आप सोचो कितनी बड़ी ब्लेसिंग। सो मेरी दो आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, मैंने एक एक उनको दी और एक अपने लिए अभी भी रखी हुई है, और मैं कोई भी पेंटिंग से पहले थोड़ा टच कर देती हूँ। एक ये अच्छा, जो मेरी बड़ी सिस्टर एक जो मेरी एक सिस्टर इन लॉ पूना में है, वो बहुत ब्लेस्ड है, आई मस्ट स्पीक अबाउट दिस, बिकॉज गुरुजी ने वो फर्स्ट टाइम जब गुरुजी के पास गई तो महाराज ने जब वो आज्ञा लेने लेने जा रही थी तो महाराज ने उसे बिठा दिया। तो थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने अपना महाराज ने अपना हाथ ऐसे ऊपर हवा में करके एक लड्डू प्रसाद निकाल के उसे दे दिया। तो दीदी जब घर आई तो दीदी कहती है कि आज ना गुरुजी ने ऐसे करके ये लड्डू प्रसाद निकाल के दिया।
मैं सोचती हूँ दीदी की ना इमेजिनेशन अब बहुत हो गई है, बिकॉज उस टाइम नहीं समझ थी हर चीज में ना, हम अपने दिमाग चलाते थे। लेकिन शुक्र है महाराज का कि हमने भी वो लड्डू प्रसाद खाया। और जो मेरी दूसरी सिस्टर लॉ है वो शिव मूर्ति की सेवा करती थी, तो उन्होंने मुझे भी दो बारी चांस दिया है ब्रासो की सेवा करने का, तो शुक्राना महाराज का। बहुत महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि हम भोलेपन में वो ब्लेसिंग्स लेते गए और वो देते गए। ये नहीं सोचा कि ये तो मुझे मानती नहीं है, ये तो अभी अभी भी इस बट में चल रही है। महाराज ने इतनी पेशेंटली मुझे टाइम दिया और आज मुझे महाराज के सिवाय पल पल कुछ नहीं सूझता, क्योंकि महाराज ही सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बनाया, मुझे चलाया और उन्हीं के पास जाना है बस, और कुछ नहीं। सो महाराज आपका शुक्राना। और हर बार मैं यही कहती हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लायक बनूं। पता नहीं मैं आपके लायक भी हूं कि नहीं, पर फिर भी आपने जो इस इतना दे दिया, बस शुक्र है। सो शुक्राना गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। ओवर टू यू करण आंटी। आरती आंटी, बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग था एंड व्हाट एन आई ओपनर सबके लिए। जो आपने बताया कि हम गुरुजी के साथ दिल से जुड़ेंगे तो अपने आप छोटे छोटे मिरेकल्स जो हम सोचते हैं वी टेक देम फॉर ग्रांटेड इन लाइफ, वो हमारे साथ है तो लाइफ ही मिरेकल है। और गुरुजी से जैसे जुड़े हैं उसके बाद तो वैसी मिरेकुलस लाइफ हो जाती है। बट आपने कितना ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किए स्मॉल स्मॉल इंस्टेंसेस, आपकी इलनेसेस को कैसे क्योर किया और कहाँ आप जैसे अब गुरुजी के साथ जुड़ने से सत्संग से पता चलता है हम गुरुजी को हर पल हर जगह ढूंढते हैं। जैसे आपके सत्संग में आपने बताया अब जर्मनी भी आप उन गुरुजी को साथ लेके चल रहे हैं हर चीज में। यू आर सपोर्टिंग द फैमिली थ्रू गुरुजी, उन्होंने करवाया आपके थ्रू, ठीक है जी। ये हमें जानना चाहिए कि गुरुजी हमारे आसपास हैं, उनके उनके साथ कैसे जुड़ना है, अपना दिल का तार जोड़ना है गुरुजी के साथ, अपनी श्रद्धा पूरी रखनी है और ऐसे ही हमारी लाइफ गुरुजी सुधारते जाएं। और बहुत बड़ी चीज की जैसे आपने गुरुजी से मांगा कि हर सोच अच्छी हो, कोई ऐसा मेरे मन में भी कोई ख्याल गलत ना आए, यही हम लोग को मांगना चाहिए संगत जी। और इस हिसाब से तो अब गुरुजी यही चाहते हैं, बिकॉज इफ यू लुक एट गुरुजी स्वरूप इतना भोलापन है, जैसे बहुत भोले भंडारी, तो मेरे मम्मी उनको कहते थे गुरुजी कितने भोले ने, नहीं समझ आती थी कि आई यूज टू वंडर कि मम्मी पता नहीं व्हाट शी कीप्स टॉकिंग, बट यस आज ही मैं दिन में उनका स्वरूप देख रही थी एक स्माइलिंग सा, मुझे लगा कितने भोले भोले हैं इन द सेंस कि ही लाइक फॉरगिव्स अस। हम तो बहुत ही पापी इंसान होते हैं एज ह्यूमंस, वी डोंट इवन रियलाइज हम क्या क्या करते जाते हैं और गुरुजी सिर्फ हमें माफ करते हैं और हमें ब्लेस करते चले जाते हैं। ब्यूटीफुल जर्नी आंटी एंड स्टे ब्लेस्ड। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना, नो एंड, बिकॉज ब्लेसिंग उनकी होती है, पहले तो वो देते हैं फिर हमसे उन्हीं, मतलब वही ब्लेसिंग्स हम जब बोलते हैं और ब्लेस्ड हो जाते हैं। बहुत शुक्र है गुरु जी महाराज आपका। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जय गुरु बिल्कुल। जी आरती आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु आरती आंटी। आरती आंटी बहुत ही ब्लेसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है। मेरा तो मन था थैंक कि एक अगर आप शब्द ही बोलते तो बहुत अच्छा लगता, आप यू बहुत अच्छा। अंकल, अंकल सुबह ही शब्द सेवा हो गई आज। नेक्स्ट जय अंकल। गुरु जी, थैंक थैंक यू यू अंकल जी, जी लॉर्ड। वेरी मच। मैं होस्ट से करूंगा।